भाई हम जरा थोड़ा जल्दी में यार जा रहे हैं। एक मिनट बुला ले तो देख लेना। क्या है भाई? भाई हुआ क्या है भाई? ओ ओ रुक 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 भाई, बाइक के बारे में पूछ रहा था, कैमरा छीनने लगा, चाबी निकाल रहा था गाड़ी की, चाबी लेके भाग गया शायद यार। चाबी देख, खिरा चपटी में जो है ना भाई, देखो इसका जो है ना गोप्रो का माइक टूट चुका है। अरे हम यहीं पे आए थे, इनका मेरे पास आया था। इतना बड़ा सीन हो गया था ना अपने साथ, तो भाई पुलिस को कॉल करके बुलाना पड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकता था भाई इतना बड़ा सीन दिन में भी हो सकता है अपने साथ यार। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? मैं हूं सालिम और स्वागत है आप सबका सालिम व्लॉग्स में। तो गाइस यार, फाइनली आज अपने हसनपुर के अंदर पहला दिन है और आज हम लोग निकलने वाले हैं अपनी बाइक को लेकर हसनपुर राइड पर। यानी कि भाई हसनपुर में आज हम लोग करेंगे राइड एंड जो होगा सब कुछ आप लोगों को व्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये चेक करो भाई, हम लोग कर रहे हैं अभी बीएमडब्ल्यू को वॉश, क्योंकि भाई काफी गंदी हो चुकी थी, कल हम लोग ड्राइव करके लाए थे ना, तो अब इसको पूरा चमकाते हैं एंड फिर निकलेंगे फुल पावर अपनी बीएमडब्ल्यू को लेकर बाहर। यार ये चेक करो भी, हम लोगों ने बीएमडब्ल्यू धुल लिया, अब इस पे कपड़ा मारना रह रहा है। देखो पाइप किस, नहीं नहीं गीला कर देगा, अब ये पानी आ गया था तो मुझे लगा गीला कर देता, मैं भाग गया वहां से पहले ही। भाई तब यार कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा यार कि कल हम लोगों ने कितनी राइड करी थी एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो भाई हम कल बहुत थक भी गए थे और भाई सीधे हम लोग आने के बाद सो गए थे और आज उठे हैं बहुत ही लेट। तो यार आज निकलते हैं, इस समय टाइम हो रहा है 2:02, तो अभी हम लोग जाएंगे शारिक भाई के पास एंड चलते हैं, देखते हैं शारिक भाई के पास क्या सीन है। तो शारिक भाई ने बुलाया था सुबह की आ जाना भाई, लेकिन हम सुबह नहीं उठ पाए थे, अब हम दोपहर में उठे हैं तो अब जाएंगे। तो अगर आप लोग यार चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक करना और एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना कि अपने भाई के ब्लॉग्स आप लोगों को कैसे लगते हैं। तो निकलते हैं अब सीधे शारिक भाई के पास। सो गाइस यार फाइनली आप देख सकते हो कि राइडिंग गियर्स मैंने लगा लिए हैं, अब हम निकलने वाले फुल पावर यहां से अपनी राइड करने के लिए। तो ये भाई बीएमडब्ल्यू, बाकी का गाइस ये चेक करो कैसे चमक रही है और शाइन मार रही है। तो भाई पूरी सेफ्टी हमारी वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है, तो अब निकलते हैं सीधे। सो अभी जो है ना गाइस, हम लोग आगे रुके हुए हैं कैंटीन के बाहर, जैसा कि आप देख सकते हो ये रही और ये खड़ी है बीएमडब्ल्यू, तो इस पर राइड करेंगे शापेस। और ये देखो भाई केटीएम, गेस करो इससे कौन राइड करने वाला होगा। कर लिया गेस, तुम्हारा भाई आज केटीएम से राइड करेगा। भाई ये सरप्राइज था आप लोगों के लिए, मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था एंड आप लोग बताना भाई ये केटीएम कितनी लग रही है। भाई ये केटीएम 200 है, तो आज तुम्हारा भाई इस केटीएम 200 से राइड करने वाला है। तो भाई होपफुली आप लोगों को राइड बहुत ही पसंद आएगी और भाई जो कुछ भी होगा अच्छी राइड में सब आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं। सो गाइस वीडियो पूरा देखना और साथ ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बताना कमेंट में वीडियो कैसी लगती है। सो गाइस फाइनली जो है अभी रोड की तरफ आ चुके हैं और शापिस भाई अपने पीछे पीछे चल रहे हैं, तो अभी हम लोग निकलते हैं सीधे सीधे क्योंकि शारिक भाई अभी यहाँ से भाई थोड़ा सा दूर रहते हैं एंड उनका बाइक भी रोड की तरफ ही है। तो चलते हैं भाई सीधे शारिक भाई के बाइक की तरफ, तो इतना बाइक पे थोड़ा सा एक्सीलेट देते हैं। एक बहुत ही ज्यादा प्यारी स्पीड है बाइक की इसकी लेकिन भाई इस रोड पे जो है ना एक बहुत ही खतरनाक सीन होता है। फेस भाई मुझे बता रहे थे कल रात को, भाई यहाँ पर कभी भी जो है ना कहीं से भी कुत्ते निकल जाते हैं, कोई भी बंदा भाई गाड़ी कार वार कभी भी मोड़ता है भाई यहाँ पर। तो इस वाले रोड पे मुझे समझा रहे थे कि भाई हल्के चलाना, तो यार अभी कल ही एक एक्सीडेंट हुआ है जब अपन लोग केएफसी से आ रहे थे ना, तो भाई वहीं पर देखा हम लोगों ने एक कार और एक स्प्लेंडर ठुकी हुई थी। तो भाई वो भी एक्सीडेंट बहुत ही गंदा था, रात में हुआ था वो, इसलिए हम थोड़ा यहाँ प
ब्लॉग्स चाहिए हसनपुर के। तो चलो गाइस यार अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं एंड चलते हैं शारिक भाई के बाग की साइड। तो गाइस यार फाइनली अभी हम लोग जो है ना पहुंच चुके हैं शारिक भाई वाले बाग की तरफ। तो अब यहाँ पर हम लोग शारिक भाई का इंतजार कर रहे हैं, स्टैंड पे लगा लेते हैं। बढ़िया भाई, जी भाई कहाँ से हो भाई? हाँ जी भाई कहाँ से हो? दिल्ली। यहाँ पे क्या करना है? अरे यार बड़े भाई रहते हैं यहाँ पे। कौन है बड़े भाई तुम्हारा? कहाँ पे रहता है शारिक? यही रहते हैं भाई, सियाली में। हाँ सियाली में। कहाँ पे सियाली में? शारिक कौन सा शारिक है? शारिक पठान। अच्छा अच्छा समझ गया, शारिक नर्सरी वाला शारिक। तो यहाँ पे ये बाइक तुम्हारी है? जी जी यार ये बाइक मेरे बड़े भाई को लेनी है, ये स्पोर्ट बाइक। उसको बुलाऊँ एक मिनट फोन करके? तो बता देना ना, मतलब क्या ये बाइक लेनी है उसको? तो यार उसे बता देना तुम क्या नाम है, कितने रुपए की या कैसे वैसे होता है स्पोर्ट बाइक, उसे पता नहीं है मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। चार की है ये। चल लक्की भाई हम जरा थोड़ा जल्दी में यार जा रहे हैं, एक मिनट बुला लेता हूँ देख लेना। शारिक भाई को जानता है नर्सरी वाले शारिक भाई। चलो भाई देखते हैं अभी रुक के इनके भाई को भी। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये कौन है भाई? ये भाई की बाइक है ये, लेने को ना तुम? जी 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 बोलिए। और भाई कहाँ से हो? दिल्ली भाई। दिल्ली से यहाँ पे कितने हो भाई? क्या पैर घूम रहा है तुम्हें? कैमरा वगैरह क्या है भाई? क्या हुआ भाई? ये क्या सीन था भाई? ओ शारिक भाई आ गए।
कौन है ये? ओ भाई भाई बाइक के बारे में पूछ रहा था, कैमरा छीनने लगा, चाबी निकाल रहा था गाड़ी की, चाबी लेके भाग गया शायद यार। चाबी देख, चाबी है गाइस। यार ये चेक करो, वो जो थे वो सब भाग चुके हैं। और ये देखो भाई शारिक भाई आ चुके हैं। भाई कितने सारे बंदे आ गए, कसम से भाई पता नहीं था। ये शारिक भाई से कुछ बात करते हैं। शारिक भाई यार ऐसे सीन हो रहा है यहाँ पर, बताओ भाई। मुझे नहीं पता यार कौन थे, अब पता तो लगा, मारेंगे सालों उनको और क्या है। बताओ यार बाघ की तरफ भाग गए। वो देखो भाई कितने सारे बंदे आ गए, देख रहे हो कितने सारे बंदे आ गए। खीरा चपटी में जो है ना भाई, देखो इसका जो है ना गोप्रो का माइक टूट चुका है। तो ये देखो भाई वो जो लोंडे आए हुए थे ना भाई, वो गोप्रो निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो गाइस अभी पुलिस आ चुकी है, देखो। अरे दो तीन चार बंदे थे, तीन चार बंदे थे बाघ में भागे इधर की तरफ सीधे। आगे जाकर मोटरसाइकिलों पे बैठे दिखे, इतने भागे हम बचे पीछे ना। मुंह पर डाटा बांध रखा था, माइक वाइक भी तोड़ दिया। अरे हम यहाँ पे आया था, इनका मेरे पास आया था, इन्होंने मैप ना आगे भेज दिया इनकी नर्सरी से। यही तो आस पास के होंगे, गारंटेड कटाई के होंगे, कहीं के होंगे। हाँ हाँ, लोवर में थे हम तो भागे उनके बीच आते ही। यही तो पहचान के मुंह पर डांटे बांध रखे हैं, क्या पहचान कर लिया। पूरा माइक ये रहा, पूरा ये मोबाइल निकालने की कोशिश करते हुए गए, यहाँ से सीधे भागे, पता नहीं कहाँ पे गए। ऐसा भी सीन होता है यहाँ पर, अभी तो यहाँ तो वीडियो नहीं बनाने आया था, इनके पास आए थे, इनका इंतजार कर रहा। मैंने कॉल करी, मैंने आ जाओ ऐसे ऐसे वो तो शुक्र है भाई तुम सही टाइम पे आ गए, नहीं तो भाई मैं तो फोन करा मैं आ रहा हूँ रास्ते में हूँ। मैं तो ये सीन था, हम दो तीन बंदे थे, हमें ज्यादा चार पांच बंदे हो, हमने तो लेफ्ट में चौकी पड़ जाए कहीं कजोलम पड़ जाए। यहाँ यही तो कजोलम पड़ जाओ, तो है। चलो आओ फिर चलते हैं, निकलते हैं आगे। हाँ यार बाइक की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है यार, अगर बाइक चली जाती तो भाई अभी बहुत ही बड़ा सीन होने से बचा अपने साथ भाई। अभी अपनी बाइक के कैमरा सब छिन जाता तो यार बताओ क्या हो रहा है यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये हुआ क्या अपने साथ। अरे भाई अपनी बाइक बच गई आज और मोबाइल भी, यार तुम्हें भी यही बाइक में बुलाना था। पुलिस भी बुला ली थी क्या करना पता। हाँ भाई पुलिस आ गई, वो तो यार देखो क्या सीन हुआ था। बाकी का यार ये KTM जो है ना बहुत ही स्मूथ चल रही है, बहुत ही ज्यादा प्यारी चल रही है यार। और बताना फ्रेम कितना प्यारा आ रहा है इसका KTM का, तो भाई दिल आ गया मेरा KTM पे ही। यार इतना बड़ा सीन हो गया था ना अपने साथ, तो भाई पुलिस को कॉल करके बुलाना पड़ा था हम लोगों को। तो भाई पुलिस भी आई थी वहां पर, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। खैर भाई पुलिस वालों को भी कुछ अंदाजा नहीं था कि यहां पर ये सब भी हो रहा है, तो यार अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर अपना सब सामान बच गया, एंड बाइक भी बच गई अपनी और मोबाइल भी बच गया। यार आइंदा से नहीं आना इस तरफ के इलाके में भाई, बहुत ही गलत सीन हुआ। वो भी दिन में भाई, रात में होता तो चलो चलता है भाई साहब, दिन में इतना बड़ा सीन मैं सोच भी नहीं सकता था भाई, इतना बड़ा सीन दिन में भी हो सकता है अपने साथ यार। लेकिन यार वो बंदे जो है ना भाग गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शारिक भाई के साथ थोड़ी देर बैठेंगे और वहीं पे ही कुछ बातचीत करेंगे। अगर कुछ उन चोरों के बारे में पता लगेगा तो भाई मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा लोग के जरिए। तो भाई ये भाई भी जो है ना वहाँ पर आकर रुक गए थे, तो भाई ये सब भी देख रहे थे क्या सीन हो गया। तो अभी गाइस यार घर पर आ चुके हैं और जैसा कि आप लोगों ने देखा भाई कितना तगड़ा सीन हुआ था आज हमारे साथ, कसम से यार ये सीन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है एंड मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन यार आज बहुत ही गलत हुआ था। आ चुके हैं और ये खड़ी अपनी बाइक, यार थोड़ा सा वेट करेंगे एंड थोड़ा आराम करते हैं, फिर उसके बाद रात में जब निकलेंगे तो आप लोग बस बने रहो व्लॉग में। अभी व्लॉग एंड नहीं हुआ है तो पूरा व्लॉग देख के आना, जब बताना भाई कैसा लगा। तो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि घर के अंदर ही जो है ना यार देखो अमरूद का पेड़ लगा हुआ है। तो भाई साहब ये देखो यार अमरूद का पेड़ भाई, ये देखो अभी इसमें जो है ना हल्के हल्के छोटे छोटे अमरूद आ रहे हैं। लेकिन यार बंदर जो आते हैं ना, बंदर सब ले आते हैं, तो बंदरों का बहुत ही खतरनाक सीन है यहाँ पर भाई। रात का टाइम जो है ना इतने बंदर आते हैं, बस पूछो मत भाई, चारों तरफ बंदर ही बंदर होते हैं। वो रात का सीन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर आज ऐसा कुछ मैं शूट कर पाता हूं तो मैं आप लोगों को जरूर रात का सीन भी दिखाऊंगा। बाकी का चलो इफ्तार का टाइम हो रहा है, इफ्तार करते हैं। सो गाइस अभी फुल पावर ड्राइव करते हुए लाए भाई, आंखों में से आंसू भी निकल चुके हैं। तो यार देखो रात का टाइम हो चुका है और ये हम लोग बाहर है अभी, तो अभी जा रहे हैं हम लोग मैकडोनल्ड के अंदर। तो चलते हैं भाई कुछ खाते हैं मैकडोनल्ड में, एंड कुछ खाया भी तो भूख भी लग रही थी। सो गाइस आ चुके हैं मैकडोनल्ड के अंदर कुछ खाने के लिए, तो साथ में कोल्ड कॉफी आ चुकी है। तो चलो भाई कोल्ड कॉफी पीते हैं। लो शारिक भाई कोल्ड कॉफी पियोगे? ना भाई अभी पी रही हूं, चलो भाई कोल्ड कॉफी पीते हैं। तो लो भाई कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है, फ्रेंच फ्राई भी, बर्गर भी। फिलहाल मैकडी में से हम लोगों ने खा लिया है एंड अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। भाई यकीन मानना ठंड इतनी लग रही है भाई, ऐसा लग रहा है वापस से ठंड का मौसम आ चुका है, नहीं तो भाई दोपहर में गर्मी थी ना। सो गाइस घर पर आता यार मैं वापस सो गया था और भाई बहुत ज्यादा थक भी चुका था, तो मैं इस वाले व्लॉग को एंड नहीं कर पाया था। तो भाई अब मैं इस वाले व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, तो होपफुली यार आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो भाई लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। और मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।